आई एम ऑफरिंग माई डिफरेंट थ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स टू इम्प्रूव योर एजुकेशन, स्पेशली मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ऑफ ओ लेवल, सेवेंथ क्लास, एट्थ क्लास, नाइन्थ क्लास, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर. यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल. Give me comment on my channel, like my videos, do also sharing of my videos with your friends and class fellows. The second one, Facebook page, you are requested to like my page and join my Facebook group in order to get the fresh updates. The name of my channel is Unique Style of Teaching. The same name on Facebook, the Facebook page with the same name and Facebook group with the same name. Now watch the video. बियरिंग एक मुश्किल टॉपिक समझा जाता है और अगर बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ठीक ना हों तो डेफिनेटली बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फील करते हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर को ज़रूर देख लें, की पॉइंट्स अपने नोट कर लें, तो इंशाल्लाह आपका डिफ़िकल्ट जो लेवल है एब्सोल्युटली ज़ीरो लेवल पे आ जाएगा. लेकिन इसके बाद भी अगर आप समझते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए तो आप मेरे चैनल में कमेंट करके मुझसे अपनी डिफ़िकल्टीज को रिमूव करवा सकते हैं. इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन टीचिंग में सर्विसेज में इंटरेस्टेड हों तो उसके लिए मेरा सेल नंबर भी नोट कर लीजिए, विच इज़ 0321-5838-264. क्वेश्चन नंबर 9 अप टू क्वेश्चन नंबर 1-8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1-8 का वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ. इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 का वीडियो अपलोड होगा. पहले मैं शेप बना देता हूँ. ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है. यहाँ पे नॉर्थ जो है वो गिवन है और एंगल एट पी इज 60 डिग्री. क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज द पोजिशन पोजिशंस ऑफ ए एंड बी. Find bearing of two part end के first part में A from B, पहला part. Second है B from A. अब आपके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि बी पे नॉर्थ गिवन है, ए पे नॉर्थ नहीं है. सबसे पहले ए पे आप नॉर्थ बना रहे हैं. ये मैं इस तरह से इसको ए पे नॉर्थ बना देता हूँ. ये नॉर्थ आपका बन गया.
जो पहले स्टेप में पहले पार्ट में हमने बेरिंग फाइंड करना है वो ए फ्रॉम बी है, यानी कि बी से आप स्टार्ट करेंगे ए तक आएंगे। अब आप देखें ये आपके पास पी पॉइंट है, यहाँ से चलते जाएं, चलते 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 आपका जो पहला लाइन पे मुलाकात होगा वो ए वाला लाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट रोटेशन से आपको 60 नहीं चाहिए। अगर आप 360 से 60 माइनस कर देंगे तो आपको डिजायर्ड बेरिंग मिल जाएगा। तो इट इज़ 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300 डिग्री इज द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। नेक्स्ट है बी फ्रॉम ए, आपने स्टार्ट करना है बी से और ए तक आना है, सॉरी बी ए से स्टार्ट करना है बी तक आना है, क्योंकि फ्रॉम के बाद का जो अल्फ़ाबेट होता है वहाँ वो वाला पॉइंट जो है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये ए पॉइंट है, ये पहली जब लाइन है ये मुलाकात इससे करते हैं तो ये बी वाला लाइन है। इसको मैं कर देता हूँ ज़रा डार्क ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ये बेसिकली अगर आपको एंगल मिल जाए तो आपको बेरिंग मिल जाएगा। अब ये दो एंगल आपको हेल्प कर रहे हैं, ये 60 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है लेट से इट इज़ एक्स। तो आप एक्स प्लस 60 इसका वर्किंग देख लें, एक्स प्लस 60 मेक्स 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। अब आप 60 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 माइनस 60 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 180 से 60 आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको एंगल मिलेगा 120 डिग्री। 120 डिग्री ही आपका बेरिंग है, एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री और बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसके साथ ही क्वेश्चन का कंप्लीशन होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को की वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें और मैंने ईच एंड एवरी स्टेप बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है वो बता दिया है। इसके बाद भी अगर आप समझते हैं कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल में कमेंट करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरा सेल नंबर रिक्वायर्ड है हो तो वो भी आप नोट कर लीजिए ताकि हर डिफ़िकल्टी में मैं आपके लिए मददगार साबित हो सकूं। थैंक यू वेरी मच।